हम आपको अयोग वाह पढ़ाने जा रहे हैं। अयोग वाह 11 स्वरों तथा 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण और होते हैं। पहला अनुनासिक, दूसरा अनुस्वार, इसमें आ का उच्चारण आता है, तीसरा विसर्ग, इसमें शब्द में दो बिंदु लगाए जाते हैं। ये स्वरों के बाद प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। पहला अनुनासिक, जब स्वर मुख से बोले जाए तो उनका रूप वही होता है, परंतु जब नाक से बोले जाए तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु अर्थात इस प्रकार का निशान लगाते हैं, जैसे गांव, कुआं, हंसना आदि। दूसरा अनुस्वार, जब स्वर के बोलने से वायु नाक से देर तक निकले तथा उच्चारण जोर से हो तथा तब ऊपर केवल बिंदु लगाते हैं, जैसे इस प्रकार उदाहरण रूप में गंदा, अंडा, पंडा आदि। तीसरा विसर्ग, वर्ण के बाद विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार लगाते हैं, जैसे पुनः, दुख आदि।